हेलो एवरीवन, विटामिन्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो विटामिन्स आर ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे फूड से हमें मिलता है, दैट आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो कि हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है फॉर अवर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। डिस्कवर विटामिन किसने किए थे? कैसिफर फंक ने किए थे। अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन्स को अगर हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, बीटा मीन्स लाइट और अमाइन्स मीन्स नाइट्रोजन, सो इट इज़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये हमें कहाँ से आता है? फूड के थ्रू आता है हमारी बॉडी में, तो एंड मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट। और इसके अलावा ये परफॉर्म करता है क्या? स्पेसिफिक आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो सम ऑफ द टर्म्स जो रिलेटेड हैं विटामिन से, हाइपर विटामिनोसिस, ये क्या होता है? हाइपर मीन्स ज़्यादा। अगर हम अपनी डाइट में ना ज़्यादा कंजप्शन ले लेते हैं ना विटामिन्स की, जैसे कि इसमें आते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए एंड डी, इसके अलावा हाइपो विटामिन ओसिस में क्या होता है, जो कि डिजीज कास्ट करता है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। हाइपो मींस लेस अमाउंट में। इसके बाद आता है ए विटामिनोसिस। ए विटामिनोसिस होती है कि जहाँ पे लैक होगा ग्रुप विटामिन वन आर मोर देन वन विटामिन, तो उसके कारण द ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इज लैक ड्यू टू वन आर मोर विटामिन इन देयर डाइट। तो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द विटामिन्स। अब हम टाइप्स की अगर बात करें, तो बेसिकली जो विटामिन्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? जो कि ईजली पास हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। इसमें हमारी कौन सी एग्जाम्पल आएगी? विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक फैट को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं? ये फैट सेल्स में स्टोर करते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे विटामिन ए डी ए के। सो ये कैसे डिवाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी के बेसिस में विटामिन्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। एक आते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल और दूसरे आते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो कि कहाँ स्टोर रहते हैं? हमारे फैट सेल में, लीवर में एंड फैटी टिश्यूज में। ये विटामिन्स होते हैं जो कि रिक्वायर करते हैं फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब। विटामिन ए डी ई के जो कि क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल होते हैं जो कि स्टोर नहीं रहते हमारी बॉडी में, जल्दी पास ऑन हो जाते हैं। किसके थ्रू? एक्सक्रीट, गेट एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल रहते हैं वाटर में। विटामिन बी एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अगर अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें विटामिन्स की, तो हमने देखा कि मेनली जो विटामिन्स हैं वो दो में डिवाइडेड हैं। एक कौन सा आ गया आपका? वाटर सॉल्युबल। दूसरे कौन से आ गए आपके? फैट सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल में आ गया ना, उसमें दो ही आते हैं आपके, एक कौन सा आता है? बी कॉम्प्लेक्स, और एक आता है आपका सी विटामिन, यानी कि नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें कितने विटामिन आते हैं? 9 विटामिन आते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं एनर्जी रिलीजिंग विटामिन में, होम्योपैथिक विटामिन में और अदर विटामिन में। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन में कौन कौन से आ गए हमारे? विटामिन बी में थायामाइन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेमिन, नाइसिन, जो नाइसिन है ना विटामिन
ये कौन सा होता है? थ्री। उसके बाद बायोटीन, बायोटीन का देखो ये बायोटीन हो गया केमिकल नेम, और विटामिन क्या है ये? विटामिन बी सेवन। पेंटोथेनिक एसिड केमिकल नेम है किसका? विटामिन बी फाइव का। लिपोइक एसिड, उसके दाम उसके अलावा होम्योपैथिक टिश्यू सॉरी विटामिन में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? विटामिन वी नाइन एंड बी ट्वेल्व। अब अगर हम इसमें वी नाइन की अगर हम बात करें, इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। और बी ट्वेल्व का नाम क्या है? कोवेलमिन। नाम है किसका? विटामिन बी ट्वेल्व का। इसके अलावा हम बात करें अब फैट सॉल्युबल की, फैट सॉल्युबल में आ जाओ, कौन कौन से आते हैं हमारे? विटामिन ए डी ई के। अब इसमें विटामिन ए का क्या नाम है, केमिकल नेम? रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। इसके अलावा अगर हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का क्या नाम है? कॉल्सिफिरोल या एर्गो कॉल्सिफिरोल, इसका नाम आ गया। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफिरोल। और विटामिन ई का क्या नाम है? फिलोकिनोन और मीनाकिनोन। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन की हमने क्लासिफिकेशन देखी, हमने देखा जो विटामिन हैं वो दो में डिवाइड हैं, वाटर एंड फैट सॉल्युबल में। फैट सॉल्युबल में हमने देखा विटामिन ए डी ई के आ गया, उसके केमिकल नेम्स देखे। और वाटर सॉल्युबल में हमने देखे कि दो विटामिन आते हैं बी एंड सी, लेकिन जो बी है वो फर्दर बी कॉम्प्लेक्स में डिवाइड है, उसमें कितने आते हैं? नाइन विटामिन आते हैं। तो ये सब उसके नाम हैं, केमिकल नेम्स, और ये सारे विटामिन आ गए। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि जो विटामिन बी है वो फर्दर थ्री में डिवाइडेड है, एनर्जी रिलीजिंग, हेमोपेटिक और अदर। अदर में एक आ गया विटामिन बी सिक्स, पैराडॉक्सिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। आगे हम इसकी पढ़ेंगे डेफिशिएंसी, सोर्सेज ऑफ विटामिन। थैंक यू।